हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी एजु हब ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मानव में परिसंचरण तंत्र। और इसमें टॉपिक है रुधिर कणिकाएं, जो कि ब्लड का भाग है। दूसरा भाग इसका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी हमारा लास्ट वीडियो के अंदर हो चुका है। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वो तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहां से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है, इन दोनों का अध्ययन भी हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया है। अब यहां आता है थर्ड पॉइंट, या तीसरी जो कणिकाएं पाई जाती हैं रुधिर के अंदर, वो प्लेटलेट्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्लेटलेट्स का अध्ययन करेंगे। देखें यहां पर प्लेटलेट्स, टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, इसको बिंबाणु भी कहा जाता है। बिंबाणु, इसके अलावा इसको थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसके लिए यहां से अधिक नाम हो गए, जैसे कि प्लेटलेट्स, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट, और एक नाम और आता है पट्टिका। तो किसी भी नाम से एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब यहां से इसकी जो आकृति होती है प्लेटलेट्स की, आकृति वो अनियमित होती है, अनियमित होती है। इसका आकार जो होता है या आकृति जो है, वो फिक्स नहीं होती, अनियमित प्रकार की होती है। हम ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, उनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में डब्ल्यूबीसी जो पाई जाती है, इसमें ही केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा आरबीसी और प्लेटलेट्स जो है, इन दोनों के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, जिसमें अनुपस्थित होता है। और डायरेक्ट भी यहां से प्लेटलेट्स जो है, इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित, और सभी के अंदर पढ़े तो यहां से डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसके अलावा दोनों के अंदर ये अनुपस्थित होता है। इसका आकार जो होता है ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो है, इसका आकार 2 से 3 μm, 2 से 3 μm का होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण, प्लेटलेट्स जो होती है, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा की, लाल अस्थि मज्जा जो होती है, इसके अंदर मेगा कैरियोसाइट पाई जाती है, मेगा कैरियोसाइट। इस मेगा कैरियोसाइट के द्वारा होता है। पूछा जा सकता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है, मेगा कैरियोसाइट जो होती है उसके अंदर इसका होता है। रक्त के अंदर ब्लड जो है, उसमें इसकी जो संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है। तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो है, उसकी संख्या 3 लाख
ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होती है 3 लाख प्रति घन एमएम निष्क संख्या पाई जाती है। इसका जीवन काल जो होता है वो 5 से 7 दिन का होता है, 5 से 7 दिन का इसका जीवन काल होता है। इसका विघटन जो होगा, विघटन या अपघटन जो होता है वो रक्त व प्लीहा में होता है, रक्त व प्लीहा के अंदर इसका अपघटन होता है या इसको नष्ट किया जाता है। कार्य मुख्य रूप से प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का जो थक्का है ये शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसकी बॉडी से शरीर जो होता है इसके शरीर से रक्त बहने लगता है, कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके शरीर से रक्त जो है वो बाहर बहने लगता है शरीर से। तो यदि लगातार रक्त बहता रहेगा तो व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो प्लेटलेट्स जो होती है वो इन घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त जो शरीर का भाग है जिससे रुधिर बह रहा है उसे रुधिर को जमाने का कार्य करता है। यहां पर इसका थक्का जमा देती है जिससे जहां से ये ब्लड बाहर निकलता है वो उधर से रक्त बाहर नहीं आता है और शरीर के अंदर रक्त की कमी नहीं होती है और थक्का बनने से जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है उसको बचाया जा सकता है। तो इसका जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रक्त का थक्का बनाना। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स जो है उसका अध्ययन आज हमने किया है, वही कंप्लीट होता है टॉपिक। थैंक यू।